एक शासकीय अधिकारी का गरीब पीड़ित क्षेत्र की जनता से कैसे व्यवहार किया जाता है, इसका उदाहरण आप बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी की तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा के रूप में देख सकते हैं, जिन्होंने तहसील कार्यालय में आए ज्ञापन देने ओबीसी महासंघ पदाधिकारियों के साथ किया। वीडियो में आप देख सकते हैं तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा द्वारा व्यक्तियों पर किस तरह से गुस्सा किया जा रहा है। क्या एक तहसील क्षेत्र के राजस्व अधिकारी का ऐसा व्यवहार होता है लोगों के प्रति? क्या कसूर था इस संगठन का जो वो गरीब जनता की आवाज उठाना ही तो चाह रहे थे? ओबीसी महासभा के ज्ञापन कार्यक्रम में प्रदेश और जिले स्तर के कई पदाधिकारी एकजुट हुए, परंतु मैडम द्वारा नियम कानून का हवाला देकर ज्ञापन नहीं लिया गया, जबकि संगठन ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में ऐसे बहुत से नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, तब मैडम जी चुप क्यों रहती है? वही ओबीसी महासभा संगठन ने आरोप लगाया कि अब क्षेत्र में हो रही अवैध गतिविधियों पर जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक वह चुप नहीं बैठेंगे। ओबीसी महासंघ ने ज्ञापन बैतूल कलेक्टर के नाम देने की कोशिश की, परंतु तहसीलदार मैडम को ये बात हजम नहीं हुई और लोग जैसे ही ज्ञापन देने पहुंचे वैसे ही आप देखे न ताव और बरश पड़ी। मैडम जी, एक शासकीय पद पर बैठे अधिकारी का रुतबा कैसे होता है ये आवाज से ही आप समझ जाएंगे कि ज्ञापन देने आए लोगों से किस तरह का बर्ताव किया जाता है। वीडियो में देखें मैडम कैसे नियम कानून बताने लगती है, आखिर रसूखदारों के सामने कहां चले जाते हैं ये नियम, कहां गुम हो जाते हैं दिशा निर्देश जिसका पालन करने की सलाह मैडम ने संगठन के व्यक्तियों की दी। क्या मैडम का कर्तव्य नहीं था कि ज्ञापनकर्ता बैतूल कलेक्टर के नाम से दे रहे थे ज्ञापन, तब वो ज्ञापन ले? क्या एक शासकीय अधिकारी का ऐसा व्यवहार होता है क्षेत्र की जनता के प्रति? क्या शिक्षा दे रही है घोड़ाडोंगरी तहसीलदार आम लोगों को कि कोई ज्ञापन देने आए तो ऐसे ही डांट फटकार कर भगा दो? क्या जनता के पास अपनी समस्या रखने के अभी अधिकार नहीं है? क्या बैतूल कलेक्टर के नाम का भी ज्ञापन लेने से इनकार करने का अधिकार है मैडम के पास? क्या घोड़ाडोंगरी क्षेत्र की जनता की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, परंतु ऐसे व्यवहार करने वाले अधिकारी पर क्या कलेक्टर को कार्यवाही नहीं करनी चाहिए? दुकानदारों को दुकाने। एक मिनट, मैं कोई ज्ञापन नहीं लूंगी। आप लोगों ने किससे पूछ के यहाँ पर खड़े हैं, धरना दे रहे हैं? हमने न्यूज में लगा चुके थे कल। आपने इस न्यायालय को कोई आवेदन दिया, पूर्व सूचना दी है क्या? न्यूज लगा चुके आपके पास रिसीविंग है? है हमारे पास, बताइए रिसीविंग है। ठीक है, मैं न्यूज देखूंगी क्या? मैं यहाँ पर आपने कोई पूर्व सूचना दी थी क्या? मेरी बात सुन लो, कैसे हम यहाँ पर जिला चोट हम कोई नहीं कर रहा है अभी, आपको हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं? नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। कलेक्टर महोदय ने भी हमको आज तक ये नहीं बोला है। क्यों? आप पूर्व सूचना से अधिकारी आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए? आप एक बार बताइए, आपने पूर्व सूचना दी क्या? सूचना हमने न्यूज में दे दी। आपको पता है ज्ञापन देने से पहले एक बार कार्यालय को मानते हैं, सूचना आपकी मानते हैं। क्यों नहीं दी आपने? हमने नहीं दी। क्यों नहीं दी? पेपर में हमने नहीं दी। कल परसों के दिन कांग्रेस ने ज्ञापन दिया था, उससे पहले उन्होंने पूर्व सूचना दी थी मुझे। हमने न्यूज में लगा चुके कि हमने कल ज्ञापन दिया। मैं नहीं दूंगी कोई ज्ञापन, जाइए आप जिसको देना दे दीजिए। पुलिस को बुलाइए, हम ले जाइए। कलेक्टर महोदय को का भी नहीं लेंगे अब हम आपके द्वारा कलेक्टर महोदय को देना चाह रहे हैं, वो भी नहीं लोगे? किस विषय पर आप लोग यहाँ पे आए? हम लोग पिछड़ा वर्ग संगठन की तरफ से आज तहसील कार्यालय घोड़ाडोंगरी में ज्ञापन देने के लिए आए। स्थानीय कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर के हम जिला प्रशासन की जानकारी में, तहसील प्रशासन की जानकारी में मामला रखना चाहते हैं। हमने सब बातें लिखी हुई है। पिछड़ी जाति के साथ में कुछ अन्याय हो रहा है, कुछ लोगों के साथ में पक्षपात किया जा रहा है, कुछ का पक्ष लिया जा रहा है, तो चूँकि कार्रवाई उन्हीं के द्वारा की गई है, सब कर्ता धर्ता वही हैं, तो उन्होंने आज हमारा ज्ञापन लेने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक आप पूर्व सूचनाएं नहीं देंगे तब तक हम कोई ज्ञापन आपका लेंगे नहीं। जी, ऐसा क्यों बोला उन्होंने? अब ये है कि हम कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, हम कोई राजनीतिक संगठन तो है ही नहीं, तो जब समस्या खड़ी होगी तो आदमी पहले सूचना देगा, उसके बाद में आकर के ज्ञापन देगा। ये व्यवस्थाएं यहाँ पे चलाई जा रही हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है, पर पिछड़ी जाति के लोगों के लिए ऐसा ही चलाया जाता है यहाँ पे जिला प्रशासन में, तो यहाँ पर इसी तरीके से चल रहा है। अब वो ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है, हम लोग परेशान हैं।
धूप में परेशान हो रहे हैं हम लोग। आगे आपकी क्या रणनीति है? जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे हम लोग, अपनी बात रखेंगे। और पिछड़ी जाति जब भी बात करती है तो उसके साथ में ऐसा ही होता है, बिल्कुल एकदम एक अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। पिछड़ी जाति के लोग कहीं जाते हैं तो उन्हें हॉस्टाइल एटमोसफियर का सामना करना पड़ता है, पक्षद्रोही वातावरण का सामना करना पड़ता है। अचानक अधिकारी जैसे ही सुनते हैं कि पिछड़ा वर्ग संगठन है तो उनके व्यवहार बदल जाते हैं। तो ये सब यहाँ पर होता है, ऐसा होता है। तो सोचिए बाकी पिछड़ी जाति के लोगों के साथ में क्या होता होगा, बाकी दलित वर्ग के साथ में क्या होता है, आदिवासियों के साथ में क्या होता है। तो फाइनली आपसे नहीं लिया उन्होंने? हमने इसकी सूचना SDM साहब को भी दी, हमने इसकी सूचना अपर कलेक्टर को भी दी, आज समाचार पत्रों में आ चुका है कि आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। तो उनको कैसे नहीं मालूम है? तो क्या अखबार भी नहीं पढ़ते हैं जिला प्रशासन के अधिकारी लोग? भारत का संविधान कहता है कि भारत की जनता उसकी मालिक है, ये सब लोक सेवक हैं। तो यहाँ तो लोक सेवक ही हमको डांट रहा है, जो हमारा नौकर है वही हमको डांट रहा है, वही हमको समझा रहा है। आपका विशेष मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे आप ज्ञापन देने आए? बोलो। विशेष मुद्दा हमारा है जो दुर्गा चौक की दुकानें से गरीब छोटे दुकानदारों को बेवजह बेदखल करने के विरोध में हमें उनकी जगह वापस दी जाए, इस मुद्दे पे हमने आज ज्ञापन सौंपने की तैयारी की थी, लेकिन हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया। मैडम द्वारा साफ इनकार किया गया कि हम ज्ञापन आपका नहीं लेंगे। हमने मैडम से कहा भी कि हम जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय को भी हम ज्ञापन देते तो हमने कभी सूचना नहीं दी है, वो भी 50 ज्ञापन डेली ले लेते हैं, लेकिन उनने कभी इस चीज़ का विरोध नहीं जताया कि आपने सूचना नहीं दी और ज्ञापन कैसे लें हम। नहीं तो आप मैडम से किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? मैडम से हम चाह रहे हैं कि दुर्गा चौक की दुकानें उनको वापस दी जाए जी, और OBC पे, पिछड़ा वर्ग पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये हमारा संगठन बहुत बड़ा है, अगर हमारे लिए ये अगर हमारी ज्ञापन ये बातें नहीं मानी तो हम इस पे आगे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, इसका विरोध करेंगे और पूरा मध्य प्रदेश में इसका विरोध जताएंगे हम। और आज हम पदाधिकारी लोग भी हमारे यहाँ आए हुए हैं, मैं बैतूल जिला से जिलाध्यक्ष हूँ, हमारे संभागीय अध्यक्ष भी यहाँ आए हुए हैं, सारणी से अध्यक्ष हैं, भीमपुर से हैं, पदाधिकारी लोग पूरे OBC महासभा के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं।